आज के इस DIY को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं घर में पड़े वेस्ट कार्डबोर्ड का। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड को सर्कल में कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से इसके एजेस को कवर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक लेयर जैसे अप्लाई करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव लाइफ विथ वंदना। तो आज मैं जो DIY बनाने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इजी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसे आप में से हर कोई आसानी से बना सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसो की लेयर अच्छे से ड्राई हो गई है और अब मैंने यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लिया है और सेंटर में हम कंपास की हेल्प से कुछ सर्कल बना लेंगे। जब भी हम कंपास की हेल्प से इस तरह से सर्कल बनाते हैं तो सेंटर में क्या होता है कि होल हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम इसके सेंटर में एक बिंदी को स्टिक कर लेंगे जिससे कि सेंटर में होल भी नहीं होगा और सर्कल भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ सर्कल बना लिए हैं। अब मैं इसी की हेल्प से इसमें कुछ डिज़ाइन बना लूँगी। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जो डिज़ाइन बना रही हूँ उसे मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। तो कुछ इस तरह से हमने इसके डिज़ाइन को बना लिया है और अब मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी का कोन ले लिया है और इस वॉल पुट्टी के कोन को मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैंने इसके कई सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं जिसमें कि मैंने इस कोन को रेडी करना बताया है। आपने अगर वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरे लिप्पन आर्ट वाले प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोन की हेल्प से ये डिज़ाइन कितनी आसानी से बन जा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर कोन की जगह पर एयर ड्राई क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर वॉल पुट्टी के कोन का यूज़ करके इस DIY को क्रिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कोन को डबल इसलिए चला रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने कोन को काफ़ी ज़्यादा पतला कट किया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा मोटा भी कट करके बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे पेंट करेंगे और पेंट करने के लिए कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं इसे पेंट करने के लिए यहाँ पर स्पंज का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पेंट ब्रश की हेल्प से भी इसे पेंट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा शेडिंग इफेक्ट देना था इसलिए मैं यहाँ पर इसे स्पंज से पेंट कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसे पेंट करने के बाद अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हमने जो भी कोन वर्क किया था उसके ऊपर हम यहाँ पर वाइट एक्रेलिक पेंट की हेल्प से आउटलाइनिंग कर लेंगे। आप अगर वाइट एक्रेलिक पेंट से बाद में इस तरह से आउटलाइनिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप कोन वर्क को पेंट के बाद भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अपने चैनल पे इसी तरह के होम डेकोर DIY शेयर करती हूँ और इन सभी DIYs को मैं बहुत ही कम बजट में और बहुत ही इजी वे में बनाने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप मेरे DIYs को रिक्रिएट करते हैं तो आप उसकी पिक मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी और डिटेलिंग ऐड करने के लिए यहाँ पर फिर से कोन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ और इसके हेल्प से मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना ले रही हूँ। और कोन वर्क को कंप्लीट करने के बाद हम इसे थोड़ी देर अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर मिरर स्टिक कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर लिप्पन आर्ट कर रहे हैं और लिप्पन आर्ट बिना मिरर के कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। मैं यहाँ पर डिफरेंट शेप और साइज़ के मिरर का यूज़ कर रही हूँ इसे डेकोरेट करने के लिए। आपके पास जो भी मिरर अवेलेबल हो यहाँ पर आप उसका यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर छोटे वाले स्टोन या सीक्वेंस का भी यूज़ करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें मिरर को स्टिक कर लिया है। अब मिरर स्टिक करने के बाद अब इसे हम थोड़ा और हाईलाइट करेंगे जिसके लिए मैं यहाँ पर वाइट एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से डॉट्स लगाकर इसे कम्प्लीट कर लूँगी।
तो कुछ इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल और इजी वे में बहुत ही खूबसूरत सा लिप्पन आर्ट वॉल डेकोर बनाकर रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ये खूबसूरत सा लिप्पन आर्ट DIY कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो रिलेटेड आपकी कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही कम बजट में बहुत ही खूबसूरत से वॉल डेकोर बनाकर अपने घर को तो डेकोरेट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली रिलेटिव्स को इसे बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।